भगवान श्री राम ढूंढने के क्रम में चलते 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 जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें याद आता है कि मेरी एक बहुत बड़ी परम भक्त है, उसका नाम है सबरी। सबरी की कहानी यही है कि जिस गांव में रहती थी उसी गांव में एक साधु बाबा रहते थे, भगवत भजन में सदा लीन रहते थे। सबरी जाति की छोटी थी तो उसे संकोच होता था कि यदि हम आश्रम में जाएंगे तो हमको आश्रम में जाने से लोग रोक देंगे। इस वजह से वो रात्रि को जब सब लोग सो जाते थे तो चुपचाप आश्रम जाती थी और आश्रम की सेवा करती थी, साफ सफाई करके छुप करके धीरे से आश्रम से बाहर आ जाती थी। आश्रम के मुखिया है मतंग ऋषि। वो जब देखते हैं कि आश्रम सुबह सुबह एकदम साफ सुथरा दिखता है तो उनको आभास हो जाता है कि कोई ऐसा भगवान का भक्त है जो भगवान की सेवा छुप करके कर रहा है। उनकी सेवा से प्रसन्न होके मतंग ऋषि उस भक्त से मिलने के लिए एक दिन शयन नहीं करते हैं, छुप करके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन है जो आकर के प्रभु की सेवा कर रहा है। वो सबरी को देखते हैं, आती है, साफ सफाई आश्रम की करती है और फिर जब जाने लगती है तब उसको कहते हैं, अरे तुम कौन हो, अपना नाम बताओ, मेरे पास आओ। वो डर जाती है, कहती है, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, हम फिर दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। मतंग ऋषि कहते, तुम डर क्यों रही हो, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने तो सेवा की है, इसका तो तुम्हें शुभ फल मिलेगा। और देखो ये आश्रम है, किसी का घर नहीं है, यहाँ सबका अधिकार है। सबरी मतंग ऋषि की अनुमति प्राप्त करने के बाद हमेशा आश्रम में आती है और आश्रम की सेवा करती है। ये संत लोग भी बहुत बहुत विचित्र होते हैं, कुछ दिन कहीं रहते हैं और फिर वहां से निकल करके कहीं और चले जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा वजह है कि जब आप ढेर लंबे समय तक कहीं किसी जगह पर टिक जाते हैं तो उस जगह से वहां के लोगों से राग हो जाता है, प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। और साधना के मार्ग में जो लगाव है ना, वो सबसे कठिन कठिन वस्तु है। जब आपका लगाव होगा तो आपके जीवन में मोह आएगा, फिर आप पक्षपात करेंगे, जो करना है वो नहीं करेंगे, कुछ और ही करेंगे। एक कथा आती है, संत लोग क्यों छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत दिन तक कहीं टिकते नहीं है। एक साधु बाबा आए मतौनी, 500-600 साल पहले की बात है, तो यहाँ के ठाकुर जी उनके लिए रहने वहने की व्यवस्था कर दिए। उसके बाद वो अपना रहने लगे, भजन करने लगे। गांव में बोले, हम नहीं रहेंगे, हमको कहीं किनारे रख दो, क्योंकि गांव वाले बहुत हल्ला करते हैं लड़ाई झगड़ा के दौरान, इसलिए किनारे चले गए। अब वो क्या के ठाकुर जी अपने खेत में झोपड़ी बना दिए, सुबह शाम दूध फल भोजन का सामान ले जाके पहुंचा देते थे। एक दिन क्या हुआ कि भजन कर रहे थे भगवान का ध्यान, तब तक आंख खुला बाबा का, और उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के खेत में एक बैल चर रहा है। तो आश्रम से निकले, डंडा उंडा ढूंढे और बैल को भगाने लगे, बैल भाग गया। फिर आकर के कुटिया में बैठ के ध्यान भजन किए, तब तक याद आया कहीं बैला आके चर तो नहीं रहा है, ठाकुर साहब की फसल लिया। फिर निकले, फिर चर रहा था वो। तो फिर क्या के दो तीन बार भगाए, नहीं भगाना, तो फिर डंडा लेके बाहर बैठे रहे, शाम तक डंडा लेके बैठे रहे। ठाकुर जी जब लेके गए शाम का सामान तो बोले कि आप बाहर डंडा लेके क्यों बैठे हैं। तो बाबा ने बोला कि क्या करें, आपके खेत में एक बैल आके आपके फसल को खा रहा था। तो बोले, तो इसमें आपको क्या समस्या, खा मेरा रहा था, आपको क्या पीड़ा हुई, आप अपना काम करते, भजन साधना। बोले, नहीं,
तुमने हमारी सेवा की है ना, तो इसलिए तुम्हारी चीजों की हिफाजत करने के लिए मेरे अंदर बहुत प्रबल भाव है। अपनी आंखों के सामने तुम्हारा नुकसान होते कैसे देख सकते हैं, यही वजह है। और फिर उस दिन के बाद वो गांव छोड़ के चले गए। जब आप बहुत दिन तक रहते हैं तो आपको फिर वहां के लोगों से लगाव हो जाता है। सहज है, इंसान है, इंसान के साथ प्रेम तो होता ही है। अगर कोई ठीक ठाक इंसान है तो उसको मिल के भी अच्छा लगता है, और जब वो अलग होता है तो दुख भी होता है। तो मतंग ऋषि बहुत दिन तक रह लिए। अब उन्होंने लगा कि अब यहाँ पर बहुत लगाव हो गया, यहाँ से जाना चाहिए। जब जाने लगे ना, तो उस आश्रम में एक सबसे वफादार शिष्या थी, सेविका थी, सबरी। उसको पूरा आश्रम की जिम्मेदारी दे दिए और बोले कि हे सबरी, अब इसका देखभाल तुम करना, साधु लोगों की सेवा करना, भजन करना, धर्म का प्रचार करना, सत्संग करना, कीर्तन करना। वो लगी रोने, बोली कि हम क्या करेंगे इस आश्रम का, हमारे लिए घर कम है क्या कि मैं इस आश्रम में आकर इसकी जिम्मेदारी में उलझूं। तो बोले क्या चाहिए तुम्हें? गुरुदेव मतंग ऋषि ने पूछा। सबरी ने कहा, हे प्रभु, कुछ ऐसा दीजिए जिससे जीवन का कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो, भगवान की प्राप्ति हो। मतंग ऋषि ने फिर उसके अंदर की भावना, जो सच्ची भावना थी, उसको देख करके उसे भगवान श्री राम के मंत्र का उपदेश किया। वो पूछी कि इसका अर्थ क्या है। मतंग ऋषि ने कहा, तुम अर्थ के पीछे मत भागो, तुम इसका तन्मय होकर जप करो, स्मरण करो, इसका अर्थ तुम्हारे सामने एक दिन स्वतः चल के आ जाएगा। देखो, आप किसी का नाम लेते हो तो क्या होता है, वो नाम ही आता है ना। तो जब नाम लेते हैं तो उस नाम का जो स्वामी है, जो मालिक है, वो आता है। ऐसे ही जब भगवान का नाम जपते हैं ना, बार बार लेते हैं, तो भगवान भी आते हैं, हमसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, और फिर जो हमें चाहिए वो हमें दे जाते हैं। सबरी को जब बता दिए हैं मतंग ऋषि, और उसके बाद आश्रम की व्यवस्था देकर चले जाते हैं, तो आश्रम की सेवा करती है सबरी, और हर पल भगवान के नाम का जप करती है, सुमिरन करती है। सबरी हर रोज भगवान की पूजा का सामान इकट्ठा करती है, भगवान की प्रतीक्षा करती है कि कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आए तो फिर दौड़ के जाएं कि भगवान के लिए कुछ पानी पीने के लिए दुकान से खरीद के लाए। तो ऐसा वो नहीं करती, हर पल तैयार रहती है और भगवान का जप करती है, भगवान के नाम का कीर्तन करती है। आइए हम सब भी करेंगे। किस प्रकार से कीर्तन करती है, बहुत सुंदर कीर्तन है, बोल है, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमर, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की दुआरिया, रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते। सबरी भिलनी की जाति भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, मैं सबरी भिलनी की जाति भजन भाव नहीं जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो
गया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ रोज सवेरे वन में जाके रास्ता साफ कराती हूँ अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ मीठे मीठे बैरन की मीठे मीठे बैरन की बरलाई हूँ ढबरिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते राम तुम्हारे दर्शन बिन अब मन में बहुत उदासी है राम तुम्हारे दर्शन बिन अब मन में बहुत उदासी है दर्शन बिन दो नैना तरसे जीवन बहुत दुखारी है दर्शन बिन दो नैना तरसे जीवन बहुत दुखारी है दर्शन दे दो रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया रघुकुल नंदन कब आओगे रघुकुल नंदन कब आओगे सपुरी की दुवारिया रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रटते रामा रामा रटते रामा रामा रटते रटते